डॉक्टर सीपी सिंह जी से लेकर के जो इस प्रोग्राम के संचालक हैं, और भी सम्मानित साथी, क्योंकि लगभग 40-45 साल से हम एक दूसरे के साथ, यहाँ 75% साथी हमारे ऐसे हैं जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है, राजेंद्र पाल गौतम जी जो आज मंत्री हैं, मैं केवल इतना कह सकता हूँ आपके बीच में, योजनाएं आप बताइए, प्लानिंग आप बताइए, परंतु क्योंकि 40 साल का मेरा साथ रहा है, जवानी की शुरुआत थी उनकी, तब से लेकर के आज तक वो बाबा साहब के बनाए हुए समता सेंटर में सैनिक के रूप में काम करते रहे हैं। शायद दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत के अंदर में इनसे ज्यादा ईमानदारी के साथ में समाज का कल्याण दूसरा कहीं व्यक्ति नहीं कर सकेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बिल्कुल। और ये दूसरी बात ये कह सकता हूँ कि रात के 2 बजे भी जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश और समाज की चिंता किया करते थे, आप अजमा लेना, रात के 1 बजे इनके पास फोन आएगा तो भी आपके फोन को अटेंड करने का काम करेंगे, ऐसा मैंने देखा है, समझा है साथियों। मैं इतनी बात कहकर के इतना निवेदन करना चाहूंगा, राजेंद्र पाल गौतम जी आपकी शान और आपकी आन इस बात में है कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए समता सेंटर को मेरे साथ में पूरे भारत में फैलाने का काम किया है। आज आपके हाथ में बागडोर है सरकार के रूप में, तो ये जो समाज है जो विभिन्न संगठनों में विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो हम जो हजारों जातियों में थे केवल अनुसूचित जाति जनजाति में बांध के रख दिया भारत के संविधान के अंदर में, इतना एक ही समूह बना दिया, एक ही हमारा नाम दे दिया, और आप उसके मिनिस्टर हैं, आप मंत्री हैं। मैं अपील करना चाहूंगा, मैंने भी देखा है बहुत सारी साल से जब से दिल्ली में दिल्ली की सरकार शुरू हुई है, जितना भी अपना शूल कास्ट का साथी है या एसटी का साथी है, यहाँ से लोन इत्यादि जो मिलने की बात होती थी, सच मायने में लोन मिलते नहीं थे, दूसरे लोग ही खा जाया करते थे। ऐसा ना हो आपके साथ, आपके होते हुए एक तो ये निवेदन आपसे होगा, हम तमाम लोग आपके साथ खड़े होंगे, केवल आपके साथ नहीं, गली से लेकर मोहल्ले तक कैंप लगाए जाए इस बात के लिए, कार्यकर्ता आपके साथ में तमाम संगठनों के हैं। मैं समता सेंटर का राष्ट्रीय एक सैनिक होने के नाते, एक कमांडर होने के नाते भरोसा देता हूँ कि तमाम दिल्ली के अंदर में जितने भी कार्यकर्ता हैं, इस कार्यक्रम के लिए, समाज के हित के लिए और बहुत सारी योजना है, आप बहुत भलीभांति जानते हैं, आप एडवोकेट हैं, हम आपके साथ में एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत महोदय।